नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। हम बात कर रहे हैं आज बेंगलोर में चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो की। इस एयर शो में 600 से ज्यादा कंपनियां हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें से अकेले 500 से ज्यादा प्रदर्शनी भारतीय उत्पादों की है, भारतीय रक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए उत्पादों की। इस समय तस्वीरें आप सीधे बेंगलोर से लाइव देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम एयरफोर्स के से जुड़े हुए जो हमारे विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो कर्तव्य दिखा रहे हैं। हवाई कर्तव्यों का नज़ारा इस समय आप आसमान में ले रहे हैं। एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस समय आसमान में वो कर्तव्य दिखा रहे हैं जो न केवल पूरी दुनिया देखने के लिए आतुर है, बल्कि देश भर के तमाम जो विदेशों से जो 14 देशों के तमाम जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, वे भी इसका लुत्फ ले रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल विकास, अगर हम लोग बात करें फ्लाइंग डिस्प्ले की, तो इस वक्त हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH देख रहे हैं। ये LUH दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में तैयार किया है, डेवलप किया है। और इसको, और अगर आपको याद होगा कि जो भारत की भारतीय वायुसेना या थलसेना जो इस्तेमाल करती है चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए ही इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH को तैयार किया है, जो इस वक्त अपनी मैन्यूवरिंग यहाँ इस फ्लाइंग डिस्प्ले में दिखा रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लंका जो बेस है वायुसेना का, वहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है। इससे पहले जो आया था हेलीकॉप्टर, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी कि जो हमला भी करने में भी सक्षम है। उस तरह के 15 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो HAL ने तैयार किए हैं। अब बहुत जल्द उनका जो करार है थलसेना और वायुसेना से 15 हेलीकॉप्टर्स के लिए होने वाला है, ये माना जा रहा है। और करार से पहले ही इन तरह के 2 हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स को HAL ने भारतीय वायुसेना को दिया है LEC पर तैनात करने के लिए। पिछले 6 से 7 महीने से वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चीन से सटी हुई जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर तनाव चल रहा है पिछले 9 महीने से, वहां पर उनको तैनात किया गया अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता दिखाने के लिए। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, क्योंकि भारत के पास अपैचे हेलीकॉप्टर्स जो हाल ही में भारत ने अमेरिका से लिए थे, उनका इस्तेमाल दुश्मन की जो सेना होती है, उनके टैंक हैं या उनके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, उनके व्हीकल्स अगर अपनी सीमा में आने की कोशिश करती है तो उन पर हमला करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो HAL ने वो तैयार किया है, उसका मैन्यूवरिंग अभी हमने देखा और ये सामने दिखाई दे रहा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का। जी विकास, नीरज, जो तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं इस 3 दिन के शो में, उसमें से कौन कौन से ऐसे भारतीय रक्षा उत्पाद हैं जो विदेशियों के लिए इस बार खुले रहेंगे, जिनके लिए विदेशी अपनी कहा जा सकता है कि बोली लगा सकते, बोली कहना गलत होगा, विदेशी अपनी रुचि दिखा सकते हैं खरीदारी में, ऐसे कैसे कितने रक्षा उत्पाद हैं, इंटरेस्ट दिखा सकते? जी बिल्कुल विकास, जो इस बार का जो एयरो शो है ये इसीलिए जो हो रहा है, उसमें खुद रक्षा मंत्री ने जैसे अभी अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा अभी तक हम मेक इन इंडिया की बात करते थे, और जैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि अब दुनिया के लिए हम अपने जो हथियार हैं या अपने प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो नाम है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का ही नाम है, जिसके लिए कई कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वो है। इसके अलावा जो अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH हमने देखा है, जो HAL ने अभी तैयार किया है, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH भी है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है, जो भारत तैयार करता है, HAL तैयार करता है, उसको भी भारत इस प्रदर्शनी के माध्यम से, एयरो इंडिया 2021 के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता है। इसके अलावा जो भारत ने जो अपना HTT यानी कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार किया, HTT-40, उसको भी दुनिया को दिखाना चाहता है। और जो हमने अभी देखी जब एयरो इंडिया शो का आगाज हुआ, तो जो आत्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशन हुआ उसमें वही एयरक्राफ्ट थे जिनको भारत प्रदर्शित करना चाहता है और दुनिया को देना चाहता है। अगर और साफ तौर से भारत ने कहा है कि जितने भी मित्र देश हैं उनके लिए हथियारों के लिए भारत अब नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है, चाहे वो पड़ोसी देश हों या फिर हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत के हथियारों में, उनके लिए नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है, उनको यहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल किया गया। और साथ ही जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट है, उसका जो करार हुआ अभी हुआ है यहाँ पर इनॉग्रेशन के समय में, सबसे बड़ा मेक इन इंडिया के तहत अब तक का जो करार है 48,000 करोड़ रुपए का, जो 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उनका करार हुआ है। तो उसी के लिए भारत, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने भी बताया कि 60 से भी ज़्यादा देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, एग्जीबिटर्स तो हैं ही हैं, तो उन सब के लिए इन सब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भारत दुनिया के सामने लाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि अब हम दुनिया के लिए भी इस तरह के एयरक्राफ्ट, इस तरह की कैपेबिलिटी भारत के पास है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो करते ही हैं ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, अब हम दुनिया को भी देने के लिए तैयार हैं। जी, इस समय आसमान में जो तस्वीरें देख रहे हैं हम नीरज, उसमें ग्लोब ब्लास्टर दिखाई दे रहा था हमें थोड़ी देर पहले,
ग्लोब मास्टर जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्वीर है आप देख रहे हैं, नीरज बता, नीरज इस समय आसमान में आप कौन से विमान देख रहे हैं? बिल्कुल विकास, आपने जैसा कि बताया कि ग्लोब मास्टर जो C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिका से भारत ने लिया और उसके साथ दो सुखोई भी हमने देखे थे, ये दोनों सुखोई जो है हालांकि भारत ने रूस की मदद से बनाए हैं लेकिन ये भारत में ही तैयार किए जाते हैं, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत के पास जो इस तरह के करीब 250 से भी ज़्यादा रफाल सुखोई लड़ाकू विमान है उनका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होता है, भारत में ही होता है। तो वो भी यहाँ पर दिखाई दिए, हमें दिखाई दिए और यहाँ पर दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। ग्लोब मास्टर जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अभी चीन के साथ जो टकराव शुरू हुआ भारत का कोरोना महामारी के दौरान, तो भारत ने जितनी जल्दी से डिप्लॉयमेंट किया अपने सैनिकों को उसमें इस C-17 ग्लोब मास्टर ने बहुत मदद की, जो हमारे जो सैनिक हैं उनको फॉरवर्ड फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए, उसके साथ साथ जो हमारे टैंक हैं, तोप हैं, दूसरी जो हैवी मशीनरी है उन सबको भेजने में, चाहे वो दिल्ली से, चंडीगढ़ से और दूसरी जगह से जितनी भी बेस है उनको लद्दाख में, चाहे ले एयरबेस हो या दूसरे जो फ्रंट लाइन एयरबेस है वहां पर पहुंचाने में मदद की। और इसीलिए C-17 ग्लोब मास्टर एक स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, उसको हमने 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस परेड की फ्लाइंग डिस्प्ले में भी देखा था और इस बार इसीलिए उसको यहां पर भी शामिल किया गया है एयरो इंडिया में। जी नीरज, आप तस्वीरें सीधे यलंका एयरपोर्ट से भेज रहे हैं बेंगलोर से, जहां पर 3 दिन का ये एयर इंडिया शो चल रहा है, दुनिया भर के 14 से ज़्यादा देशों की कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है, तकरीबन 601 से ज़्यादा प्रदर्शनी इसमें लगाई गई हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें कम से कम 523 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है, 78 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है, तो कुल मिला के 336 से ज़्यादा वर्चुअल प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शन इस एयरो इंडिया शो में किया जा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता बने हुए हैं। संदीप मेहता, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बार जो भारत जिसको कह सकते हैं LCA तेजस को लेकर जिस तरह से दुनिया भर को आकर्षित कर रहा है, कितने देश हैं जो अब तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर अपने इंटरेस्ट को दिखा चुके हैं? जी हाँ, ये बहुत बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और अनेक देश जो हैं, मुझे जानकारी है कि ध्रुव और ALH जो हैं वो कई देश जो हैं वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी, एक इकोसिस्टम चाहिए आपको किसी भी प्रकार के फाइटर या हेलीकॉप्टर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 13वीं एडिशन है एयरो इंडिया की। इसके पहले हमने देखा कि लोग विदेश से अपनी टेक्नोलॉजी ला के यहाँ पर हमारे को शोकेस किया करते थे, हमारी इंडस्ट्री उनके साथ हाथ मिलाकर टाइप करके और उस टेक्नोलॉजी को हासिल करती थी, लेकिन इस 13वीं एयरो इंडिया की एडिशन में हम देख रहे हैं कि अब हम शोकेस कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर हो चुकी है और हम अब तैयार हैं इनको दूसरों को देने के लिए। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको इंटरेस्ट है इस तरीके के इक्विपमेंट में और ये HAL द्वारा निर्मित, जैसे आप देख रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जहाँ से धुआं निकल रहा है वो उसे स्टब विंग्स कहते हैं, जिन पे हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें एक्सटर्नल वेपन लोड लगाया जाता है, रॉकेट्स या मिसाइल्स को वहाँ पे लोड किया जाता है क्योंकि ये अटैक रोल में यूज़ होते हैं, तो इसमें अंदर उतनी इनको स्पेस नहीं चाहिए होती लेकिन एक्सटर्नल लोड ज़रूरी होते हैं वेपन्स फिट करने के लिए। इसी तरह जो इनकी मनूवरिंग है हेलीकॉप्टर्स की या एरोप्लेन्स की जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये इस तरीके से प्लान की जाती है ताकि उसकी क्षमता जो है, उसकी कैपेबिलिटी जो है उसकी। संदीप मेहता, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए भारत अपनी ताकत का दुनिया भर को प्रदर्शन कर रहा है एयरो इंडिया शो के जरिए, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये इससे मैं मानता हूँ एक भारतीय होने के नाते ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि बीच में कुछ समय के लिए 70 के दशक में पहले हमने मारुत फाइटर का डेवलपमेंट किया था जो इंडिजिनस फाइटर था, लेकिन कई कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया और शायद एक गैप आ गया और हमें काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करना पड़ा LCA को कारगर बनाने के लिए, किंतु आज वो ना केवल इस स्टेज पर आ चुका है कि उसे एक पूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, बल्कि अब हम मार्क टू की भी बात कर रहे हैं, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी ओर भी हम मूव कर रहे हैं। सो ये एक भारतीय होने के नाते एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे और इसमें एयरो इंडिया शो का एक बहुत अहम योगदान रहा है, क्योंकि
इन्हीं के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में रोज़ हमें ऐसी खबरें मिलेंगी किस तरह से जो हैं इंटरनेशनल टाइप्स हो रहे हैं या लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे इक्विपमेंट में। अभी तक तो हम सिर्फ एरोप्लेन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएवी और ड्रोन्स भी एक ऐसी सेगमेंट है जिसका बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है एरो इंडिया में और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। और भारत ने भी बहुत, अभी हमने रिसेंटली खबर सुनी थी कि आइडिया फोर्स नाम की कंपनी को एक बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी स्वनिर्मित ड्रोन्स हैं और बड़े यूनिक कैपेबिलिटी है उनकी। सो ना केवल जो डिस्प्ले अभी दिख रहा है, ये तो बहुत आकर्षित करने वाला डिस्प्ले है, और इस तरह से अपने एयरक्राफ्ट की क्षमता दिखाते हैं। जो बाहर के विदेश से आते हैं एरोप्लेन्स वो भी अपना डिस्प्ले दिखाएंगे, और साथ ही कुछ समय एरो इंडिया में दिया जाता है कस्टमर्स फ्लाइट डिस्प्ले के लिए, जिसमें कस्टमर्स को उन एरोप्लेन्स में ले जाके बारी बारी से जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं उसको एक्वायर करना या इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको उन एयरक्राफ्ट में ले जाके उनको भी राइड दी जाती है। जो वो कस्टमर डिस्प्ले अलग होते हैं, उनका टाइम अलग होता है, लेकिन ये आज इनॉग्रल शो जिसमें भारत अपनी क्षमता को शोकेस कर रहा है। हम देख रहे हैं ये सारंग टीम, चार हेलीकॉप्टर उनके ALH ध्रुव, और उसके ऊपर उड़ रहे हैं स्कैट्स, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, 9 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन। ये पहली बार एयर इंडिया शो में ऐसा हो रहा है और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग की डिस्प्ले फ्लाइट्स एक साथ ये सिंक्रोनाइज तरीके से अपना डिस्प्ले दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक फर्स्ट मैं कहूँगा अपने आप में है जी, इस एयर इंडिया शो में 13th एडिशन में। जी, ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो से, अलंका एयरपोर्ट से सीधे बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। आपके सामने जो नज़ारा होगा नीरज, उसको देखकर आपको ज़्यादा कौतूहल और उत्साह हो रहा होगा, हालांकि आप हर बार देखते रहते हैं, लेकिन हर बार एयर शो आपको नए तरीके से आपको आश्चर्य में डालता है। हाँ बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार का जो अट्रैक्शन तो है ही है आत्मनिर्भर भारत, तो है आत्मनिर्भर फ्लाइट तो है ही है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं जो सारंग जो एरोबेटिक हेलीकॉप्टर टीम है वो, और जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है जो कि IGT हॉक्स की जो टीम है, वो एक साथ यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। अभी तक हम लोग देखते आए थे कि ये दोनों टीम्स अलग अलग करती थी अपना जो एरोबेटिक डिस्प्ले करती थी, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं यहाँ एयरो इंडिया शो में दोनों एक साथ कर रही हैं। और जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता ने बताया कि ये जो सारंग हेलीकॉप्टर है दरअसल ये भारत के ही जो ALH हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, उनको ही इसमें कन्वर्ट किया है भारतीय वायुसेना की टीम ने, इनको एरोबेटिक टीम में कन्वर्ट किया है। और ये दिखाता है कि किस तरह से आपको, क्योंकि एरोबेटिक करते हुए आप हेलीकॉप्टर से एक दूसरे से मैन्यूवर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से, उनके ऊपर जो है सूर्य किरण टीम जा रही है जो एयरक्राफ्ट की, तो वो दिखाता है कि हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको कितनी प्रिसिशन रखनी पड़ती है, कितना एकाग्रता रखनी पड़ती है, कितने आपको, और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आप डॉग फाइट होती है दुश्मन के साथ होती है, दुश्मन के साथ अगर हमारी डॉग फाइट होगी तो हमारे फाइटर जेट्स का किस तरह से आपको अपना कंसंट्रेशन रखना है उसमें, वो यह प्रिसाइज जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखाता है और डेडिकेशन दिखाता है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स, चार हेलीकॉप्टर्स एक साथ क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दर्शक जो हैं वो इसीलिए उनके दांतों तले उंगली जो है जरूर दबा लेते हैं अगर इस तरह की एरोबेटिक टीम देखते हैं। दुनिया भर में इंग्लैंड है, स्वीडन है, कई देश हैं जहाँ पर इस तरह की एरोबेटिक टीम है, और ये सूर्य किरण और सारंग टीम जो भारतीय वायुसेना की है, दोनों ने अपना मुकाम हासिल किया है पूरी दुनिया ने। तो आप जैसा कि नीरज बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो एक साथ उड़ान भर रहे हैं, और न केवल उड़ान भर रहे हैं बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रशिक्षण दक्षता को बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे पायलट किस तरह से इस तरह के जो खास तौर पर मैन्यूवरिंग होती है उसको अंजाम देते हैं। ये बेहद रिस्की होता है और इसके लिए बेहद दक्ष होना ज़रूरी होता है। घंटों की लंबी उड़ान के बाद ये दक्षता हासिल होती है, प्रशिक्षण के ज़रिए ये मैन्यूवरिंग की जा रही है इस वक्त अलंका एयरपोर्ट बेंगलुरु में, जहाँ पर 13वां एयर इंडिया शो चल रहा है। इसमें दुनिया भर की नज़र टिकी हुई है क्योंकि भारत इस बार अपने कई स्वदेशी हथियारों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ABP News आपको रखे आगे।